Ieri, 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 ieri. Am uitat, am uitat, am uitat. Am uitat. Salit Petico Niedo! Niedo, Niedo! 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 Atras ki Petico Niedo! हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहा है तो आम आदमी का साथ में क्या होगा, ये आप अंदाज अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में तो पहचान इस सरकार की हो गई है कि दलित उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, ये अत्याचार हो रहा है। और बड़ी दुखद समाचार मिला है कि उस बालिका के साथ, हमारी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, अब उस पर मौत हो गई है। अब ये तो है ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, सुनने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ उठाओ बंद करो, सिर्फ यही कुछ नहीं। मांग क्या, दोषी लोग को पूछता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा प्रोटेस्ट जो था, हम अभी आके पीसफुली खड़े हुए हैं, हमें ये भी नहीं बताया कि धारा 144 लागू है। एक आम आदमी के तरह चुपचाप आके यहाँ पे पीसफुली खड़े भी नहीं हो सकते, सीधा गाड़ी में बिठा के डिटेन कर रहे हैं, खुद पार्किंग में गाड़ी लगवा रहे हैं जबकि, और उसके बाद खुद ही पकड़ रहे हैं, हमें बता भी नहीं रहे कि यहाँ पे क्या बात है खड़े होना, आम लोगों को भी पकड़ रहे हैं यहाँ पे आने वालों को। तो आप कम से कम आम जनता को तो बताइए, एक दलित बेटी का मौत हो जाती है, उसका बलात्कार होता है, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं और पीसफुली हम लोग अभी खड़े हैं, हमने कुछ कहा भी नहीं, ये हाल किया गया है यहाँ पे। यूपी के क्या हालात है, पुलिस पूरी तरीके से बिकी हुई है, और बार बार ये हमें इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं, उसे दफन करने में लगे हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया, अभी हम आगे खड़े हैं, और ये पहले से ही इनसिक्योर है, इन्होंने हमें यहाँ बंद कर दिया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनीषा ठाकुर जो दलित लड़की है, उसको बलात्कार किया गया, सरकार ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, उपचार नहीं दिया, दम तोड़ दिया। जबकि 14 सितंबर को ही उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ था, निर्भया से कब नहीं इसके साथ हुआ। हम योगी सरकार फेल हो चुकी है, और वहाँ दलितों के उड़ी के नहीं प्रयोगशाला बन गया है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।